नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं आपको कुछ पब्लिक से बात करना चाह रहे हैं, दिखाना सुनाते हैं कि आप यहाँ के जनता क्या चाहती है, यहाँ के कैसी सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश भौरी। यहाँ का जो अभी विधानसभा चुनाव है जी, क्या विकास हुआ आपके यहाँ, क्या विकास नहीं हुआ? देख रहे हैं सर कि हम लोग बीजेपी तो सरकार तो नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार हम लोग जगह मुक्ति मोर्चा का, वो जो विधायक यहाँ का अभी विकास नहीं हुआ ठीक से। क्या 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 कमी देखा गया? क्या लाला नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, विकास भी नहीं हो रहा है। और हम लोग कांग्रेस में रहता तो हम लोग कुछ विकास तो अच्छा रहता हम लोग का। अभी तो कांग्रेस का ही सरकार। हाँ, कांग्रेस का सरकार तो ही है, मगर हम लोग विधायक होता तो हम लोग कांग्रेस का तो हम लोग बढ़िया विकास होता हम लोग का। क्या विकास चाहते हैं सरकार? क्या लाली ताली सब बढ़िया होना चाहिए, विकास होना चाहिए बढ़िया से। आप लोग यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? जी जी। आपको, आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। क्या कितनी दिक्कतें हो रही है आपको काम करने में? हाँ, काम करने में दिक्कत होता है, फैक्ट्री यहाँ नहीं है और कुछ फैक्ट्री नहीं बैठ रहा, बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है तो ऐसे तो हम लोग नहीं लगा, इसलिए हम लोग महावीर चौक में बाईस में हम लोग खड़े हैं। अच्छा, यहाँ की सरकार जो है 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत देता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये अच्छा अच्छा बात है। घर में रोजगार नहीं दे और 1000 रुपया दे तो उस पर वो अच्छी बात है। रोजगार मतलब क्या है, जो अब मेहनत मिल रहा था अच्छा बात है, जो नहीं मिलता था अभी मिल रहा। ठीक है, हम और कुछ भाई से बात कराना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडव भौरे। आप यहाँ क्या करने आए? मजदूरी करने आए हैं, लेकिन यहाँ तो मजदूरी मिलता नहीं है। हम लोग का विधायक ग्रीन चिल्ला रहा है, हम लोग का जो विधायक है आज तक हम लोग उनको वोट दिए हैं, तो जितना भी दिन हुआ वोट उन्हीं को दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ हम लोग के लिए काम नहीं किया। मेरा पूरा भोरो पंचायत में घर है, चास कॉलेज के सामने पड़ता है। ग्रीन चिल्ला रहा है, विधायक के अनुसार से ये कहना चाहता हूँ कि हम आप लोग आपके गतिक मर रहा है कि हम आप लोग कहीं जया काम किए हैं तो हम लोग को तो कहीं ऐसा भूखे न मरने दे इतने आदमी को, यही हम चाहते हैं। और विधायक करके कुछ काम नहीं किया है। रही बात अभी हम लोग का सरकार का, तो सरकार जो है सरकार अच्छी बात ये किया है कि महिला लोग को बहुत 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 महिला लोग पैसा के लिए तो रास्ता था, चूड़ी के कंगन के लिए तो रास्ता था, ये तो बहुत अच्छी काम किया। और धीरे धीरे तो हमारी सरकार काम कर ही रहा है, आदमी तो देख रहा है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके घर में मैया सम्मान का पैसा 1000 रुपया? हाँ, मेरा परिवार का नहीं आता, लेकिन मेरा माँ को मिलती है, मेरे खुश की बात है क्योंकि मेरा माँ बूढ़ी है, उसको मिलना भी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि उनके जैसे और माताएं हैं उनको भी मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिलते हो उसको भी मिलना चाहिए। सरकार बदलेगी तो आपको 2100 रुपया मिलेगा वो लोग दीदी? अगर सरकार बदलने की 2100 रुपया का अगर बात है ना, तो पहले दे चुका होता उनका सरकार जब था ना उसी टाइम दे चुका होता, ये नहीं है कि अभी दे कह के, अभी ये नहीं अभी दे कह के। अभी हमारी सरकार 1000 रुपया दे लेकिन वो ठीक कर तो रहा है, लेकिन यही हम सरकार को यही दरखास्त करूंगा कि सर अगर सुन रहे हैं कहीं जगह पे तो आप मजदूर लोग को कहीं पे नौकरी पे लगा दे, यही हम चाहते हैं, क्योंकि महिला लोग को तो खुशी कर दे और जान से लोग यहाँ हीरा बना दिया, रोड में खड़ा है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं एकदम। महीना में हम लोग जानते हैं 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन में और 300 रुपया करके बचता है, क्या चलेगा महीना भर? घर दो गो लड़का का पढ़ा रहे है, माँ है, बाप है, हम है, बेटा है, सबको चाहिए ना। लेकिन अच्छा, आपकी अभी तो आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हाँ। क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो हम अभी कुछ अभी तो विकास का अभी तो करिए रहा हम, क्या हम लोग मौजूद अपने क्या उनका विकास देखेंगे, हम लोग वही देख रहे हैं विकास का, महिला लोग को ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फंक्शन आ ही रहा है। लेकिन एक बात है, यही बोलेंगे बीजेपी सरकार जब था उस टाइम से अभी तक ना ही काम किया है, ग्रीन चिल्ला रहा है, काम एक भी नहीं किया है इतना। हम आपको और एक अंकल से बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है? चंद्रशेखर सिन्हा। अभी विधानसभा चुनाव है, यहाँ विकास हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, बेरोजगारी कितनी है, समस्याएं कितनी है, दस में ही रहते हैं ना? बेरोजगारी तो सामने प्रदर्शित हो रहा है,
गरीब आदमी बेचारा रहता है, सुबह से आता है, काम नहीं मिलता है तो लौट भी जाता है। उन लोगों को भुखमरी की समस्या रहती है। दूसरी बात है कि यहाँ हवाई जहाज के लिए इतना दिन से एरोड्रोम सब कंप्लीट होके ठीक है, लेकिन स्टार्ट कोई नहीं कर रहा है, चाहे कोई हो, बीजेपी हो, चाहे इसका सरकार हो, हेमंत सरकार हो। तो ये तो एक तरह से बढ़िया बात नहीं है। आदमी सोचा था कि बन जाएगा तो बाल बच्चा दूर रहता है तो आएगा जाएगा, आसानी होगी, फ्लाइट पकड़ने रांची नहीं जाना पड़ेगा, अभी तक ही पेंडिंग चल रहा है। आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार विफल रही है? हाँ, विफल रही है, बिल्कुल मान रहे हैं। विकास के और क्या क्या किया गया विकास के लिए? विकास के लिए तो बोकारो शहर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, वही दिखाई पड़ रहा था कि हवाई जहाज स्टार्ट होगी तो कुछ लोग को रोजगार भी मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करें? जो बोकारो का विकास करे, प्रत्याशी किसी पार्टी का उसे मतलब नहीं है, जो बोकारो का विकास करे हम लोग चाहते हैं। चास में पानी बिजली की समस्या बहुत लंबित है, समस्या एकदम लंबित है, मोहल्ला मोहल्ला में जैसे दो तीन महीना पहले पानी मिलता ही नहीं था, लोग डेरा छोड़ के भाग रहा था, अपार्टमेंट छोड़ के और भागा। इधर वर्षा हुई तो कुछ हुआ है, तो सरकार को पानी की व्यवस्था सुचारू कर रूप से व्यवस्थित करनी चाहिए। पाइप लगा दिया है, पानी नहीं आ रहा, बिछा दिया है लेकिन साल भर से बिछा दिया, पानी का कुछ पता नहीं, नगर निगम या सरकार जो कहिए। 5 साल ही कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल ही जेएमएम की सरकार रही, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चास को क्या क्या दिया? चास को चाहते तो कोऑपरेट करते, हवाई अड्डा भी हो जाता है, स्टार्ट हो जाता, कहाँ कोऑपरेशन दी या क्या मिला चास को? हमको तो नहीं लगता है कुछ मिला। अभी हम और कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, और कुछ पब्लिक के बात करना चाह रहे हैं भैया। विधानसभा चुनाव है झारखंड में, बिहार सॉरी बोकारो में, क्या विकास आपको देखने को मिला? ऐसे कहने के लिए तो अच्छा है क्योंकि अभी गरगा ब्रिज वगैरह देखने को मिला है, लेकिन अभी तक जो उनका वायदा था कि एयरपोर्ट चालू होगा, वो वायदा आज 10 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है कि वो सरकार क्या कर रही है? नहीं, उनकी सरकार से तो हम लोग टैक्स पेयर तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि टैक्स का सारा पैसा वो जैसे बंदर बांट रहे हैं, और जबकि वो आदमी को और कोढ़िया ही बना रहे हैं। वो किसी हाल में वो पैसा नहीं जाना चाहिए था। हाँ, उसके बजाय वो हॉस्पिटल खोलते, स्कूल खोलते, उसमें फ्री की व्यवस्था देते, लोग पढ़ते शिक्षित होते, वो एक जगह था। ये फ्री बांट के आदमी को और कोढ़िया बनाने की नीति है, वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं। मैया सम्मान योजना लेके आए हैं लुभाने के लिए। हाँ, उसी के लिए मैं बोला, वो सबसे खराब योजना है, चाहे वो मैया योजना हो, चाहे गोगो दीदी योजना हो। कोई भी पार्टी यदि अब उस फंड टैक्स पेयर का फंड को ऐसे यूज करे, यदि उसमें हिम्मत है तो वो अपने पार्टी फंड से दे, तब लोग मानेंगे हाँ वो सही चीज है। लेकिन ये तो सिस्टम ही गलत है कि आप टैक्स पेयर का ये पैसा मिस यूज कर रहे हैं उसका, क्लियर कट। क्या मानते हैं कि इस बार 5 साल से की सरकार रही वो विफल सरकार रही? हाँ, ये जो रही पिछली सरकार वो पूरी तरह से विफल सरकार है। एक बार फिर से हम लोग सोचेंगे कि एक बार फिर से बीजेपी को चांस दे, लेकिन यदि गोगो दीदी योजना वो शुरू कर रहे हैं तो वो भी एक गलत योजना ही है, उसका भी पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि फ्री का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा फ्री में नहीं जाना चाहिए, वो जनकल्याण में लगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो फ्री योजना बिल्कुल ही गलत हो रही है। देखिए, गोगो दीदी योजना भी इनके हिसाब से गलत है। सही बात है, जब पब्लिक को घर बैठे पैसा मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बाहर काम करने के लिए कोई निकलेगा? यहाँ की स्थिति बहुत ये दयनीय है, यहाँ महिला कार्ड खेला जा रहा है, 1,000 रुपया या महिला सम्मान योजना हो या गोगो दीदी योजना हो, महिला कार्ड खेलने के लिए खेलकर चाह रहा है कि हम सत्ता में किसी तरह आसीन हो। कोई बात कराना चाह रहे हैं, क्या नाम आपका? तय्यद। क्या क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? हम लोग का यहाँ बोले हम लोग को तो सर कुछ नहीं मिल रहा, कॉलोनी घर और कुछ नहीं। भैया सामान का पैसा आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। घर में किसी को पैसा मिलता? घर में माँ को मिलता है, दादी जो है, बाकी मेरा बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? ऐसा तो
ये भी नहीं हुआ, क्या बोलता है जो कोटा का चावल मिलता है वो भी नहीं मिलता, कॉलोनी घर भी नहीं, कोई भी चीज नहीं। आपका क्या नाम है? हाँ मैं यहाँ का नहीं है, हम कुछ आदमी से हम तो बात कराना चाह रहे हैं। और हम आप एक यहाँ भाई साहब है उनसे भी बात कराना चाह रहे हैं। जी जी जी, मेरा नाम आलोक कुमार है। यहाँ का अभी विधानसभा चुनाव है, विकास की गति क्या है, बेरोजगारी रोजगार क्या है? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, बेरोजगारी तो है ही, और मेरे हिसाब से जो है जो सरकार है उसको बदलनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुद्दों पे जो है, एक तो यहाँ पे बिजली की भी काफ़ी समस्या आ रही है, स्पेशली चास क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, और बाकी जो है मैं ये कहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम चल रहा है, और मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि बस इस बार जो है सरकार जरूर बदलनी चाहिए, बस यही कहना। इस सरकार में आप क्या क्या विकास देखे हैं पास साल? कौन सा? इस सरकार में आप पाँच साल में क्या क्या विकास आपको मिला, क्या क्या देखने को मिला? देखिए विकास के बारे में तो देखिए मैं इतना ज़्यादा जो मुझे ऊपर से दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, अंदरूनी क्या चीज़ें चल रही है मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है जो मुझे दूर से दिखता है, एक चीज़ सबसे ज़रूरी है मैं वही बोला कि काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा बिजली पे भी, और बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ मैं सुनता हूँ जहाँ पानी की भी बहुत समस्या है, तो पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, ये सब तो बेसिक चीज़ों पे काम होना ही चाहिए। दूसरा जो है वही अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे ऐसा मतलब लोग हैं जो तबका है जो कि यहाँ से अच्छे एडुकेशन या क्वालिटी एडुकेशन होने के बाद भी बाहर चले जाता है, वो लोग इसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये लोग रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो जगह दूसरे शहरों पे जाके काम कर रहे हैं। तो बोकारो जब इतना मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे स्कूल्स वगैरह काफ़ी एडुकेशन अच्छा है यहाँ पे काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स का, तो उनके बच्चे जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या कहते हैं कि उनको रिटेन करना चाहिए ताकि इस सिटी का डेवलपमेंट हो सके और यहाँ के लिए भी काम हो, पर वो रुकेंगे कैसे जब तक कि जॉब्स नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ बोकारो स्टील प्लांट छोड़ के कुछ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कंपनीज आनी चाहिए कुछ ना कुछ जगह पे, और प्राइवेटाइजेशन भी कुछ कुछ चीज़ों का होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि आप जानते हो कि किसके फेवर में है, तो वो चीज़ ठीक है, उनकी भी चीज़ों को आपको रखना है, लेकिन साथ में साथ आपको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। तो आपने देखा बेरोजगारी बहुत चरम पर है, बहुत स्थिति खराब है, और पाँच साल में सरकार कुछ नहीं कर सकी, ये पब्लिक का कहना है। हम आपको कुछ महिलाएं हैं जो काम करने के लिए आई हैं उनसे हम पूछते हैं कि सरकार का क्या क्या लाभ इनको प्राप्त हुआ है। कहाँ से आए? मुंदनिया कांटा वाला वो कोरिया थी। आपको सरकार अभी झारखंड सरकार हेमंत सरकार क्या क्या दिया है? विधवा पेंशन। हाँ पेंशन हुआ। समस्या क्या क्या है आपके पास? समूचा चाल मिलता है, चाल मिलता है, चावल तो केंद्र सरकार का। आपका समस्या क्या आपके गांव? बस वही यार कुछ नहीं, काम करने का आता है काम नहीं मिलता है। एक हजार रुपया सरकार दे रहा है, वो आपको नहीं मिल रहा है? वो वृद्धा पेंशन मिलता है और वो पेंशन नहीं मिल रहा। भैया सम्मान योजना मिलता है? नहीं 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 नहीं, वो बोला नहीं मिल रहा, वो बोला ना वो नहीं मिला, तब वृद्धा पेंशन मिलता है। कैसा सरकार खोजते हैं? कैसा सरकार मांगता है? बढ़ा के दीजिए, बढ़ा के दीजिए पैसा। आइए एक भाई का भाई साहब से और बात करते हैं, कहाँ से है भैया? हाँ सर, चंदन क्यारी का। क्या स्थिति है चंदन क्यारी का? आप आया चंदन क्यारी से यहाँ मजदूरी करने, क्या विकास हुआ है आपके एरिया में, क्या विकास हुआ बोकारो में, क्या कहेंगे उसको? सर बोकारो में तो ज्यादा डेवलप होने जा रहा है, लेकिन चंदन क्यारी में अभी तक कोई ना कारखाना खुला है ना और कुछ हुआ है। कितनी समस्याएं आ रही है? समस्या तो है अभी, जैसे सुखाड़ घोषित हुआ कुछ काम नहीं दिया,
खेती होती किसान के लिए अभी भुखमरी छा रहा है, क्या होगा। मैया सम्मान योजना आपको मिला है 1000 रुपया करके सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, लेकिन मेरा परिवार का भी नहीं मिला। नहीं मिला। आपके गांव में कितने आदमी को मिला? मिला है लगभग 100 आदमी को मिला है। 100 आदमी को मिला, कितने आदमी है गांव में? गांव में तो है कम से कम 500। 500 आदमी में मात्र 100 आदमी को मिला है, क्या कहेंगे सरकार? और क्या करना है कि अभी तो रेलवे चल रहा है, अभी बन ही रहा है, अभी तो इस महीने का नहीं बनना। सरकार से क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो चाहते हैं सबको बीजेपी का ही होगा, तुम सब कुछ। हम एक भाई साहब से और बात कराना चाह रहे हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव है, क्या विकास चाहते हैं सरकार? देखिए हम लोग विकास किया है, हम लोग तो सब चाहते हैं, तो देगा था ना, दे कुछ नहीं मिलता नहीं है अभी तक। सर 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, क्या क्या दिया अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला हम लोग का, किसी को मेरा किसी को नहीं मिल रहा, ऐसी बात हो रहा है। क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या आपके गांव में विकास हुआ? मेरा गांव कुछ नहीं हुआ, यानी हेमंत सरकार विफल रही है। क्या नाम हुआ? शिवचरण अजवार। क्या क्या विकास हुआ है आपके सरकार में? सरकार आपकी है, 5 साल में हेमंत सरकार क्या क्या दे पाया? हेमंत सरकार जो मैया योजना बोले थे वो वाला तो मेरा मैया योजना होबे नहीं किया, तो क्या बोलेंगे और सरकार को? यही तो सरकारें हैं, जिनको मिल रहा है वो मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है तो नहीं ये मिल रहा। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? विकास क्या हुआ है, क्या विकास बोल देंगे भैया, बोलो। यानी आपके क्षेत्र में मतलब विकास की गति तेज नहीं हुई है? नहीं है विकास। में किस तरह के सरकार को चुनेंगे? सरकार हमरा बोलने से सरकार थोड़ी बनेगा, एक एक वोट इम्पोर्टेंट है, एक एक वोट से सरकार जुड़ती है और गिरती है, तो आपका भी वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसी सरकार चुनेंगे? सरकार कैसे चुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, बोलो, हमरा तो बोलने का कोई नहीं है। हम आपको और कुछ लोगों से बात कराना चाह रहे हैं। कहाँ से हैं? कमल देव। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपके कमल देव में क्या क्या विकास हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह का रोड अभी तक बना नहीं है, क्या क्या समस्या है आपके गाँव? समस्या बहुत है वहाँ। क्या क्या समस्या है, बहुत में क्या क्या? रोड अभी तक नहीं बना, आज से कितना दिन से बोल रहे हैं, आज भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा बस अभी तक हुआ नहीं। पानी की क्या समस्या है? पानी का ठीक है। बिजली की क्या समस्या? बिजली का वही कटता है बार बार। कितना घंटा बिजली? 1 घंटा 2 घंटा ना, हमारा तो सही दिन चास में रहता, डर से रहता है यहाँ, वो नहीं क्या जानता, और वहाँ कोई आवाज उठाने वाला है या नहीं है, कोई अभी नहीं करेगा, आपका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ आप बताइए कि क्या क्या समस्या? चास में बहुत समस्या था, अभी लैंडिंग में खराबी चल रहा है, क्योंकि रोड तो बहुत जगह बन रहा है, बहुत जगह छूट जा रहा है, और पानी तो बहुत जगह सरकारी पानी जो पाइप सरकारी वाला जो सप्लाई नल देता है उसमें एक जगह मिल रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रहा। अभी भी जगह चलिए 20 नंबर वार्ड में चास में कि पानी के लिए अभी वो मारपीट चल रहा है, औरत रोत में पूरा झगड़ा हो रहा है। किसको जिम्मेवार? ये जिम्मेवारी तो हमको, हम लोग 20 नंबर वार्ड जो हम लोग आए उसको देखना चाहिए, जो हम लोग का चास का मेयर भोलू पासवान जी है उसको भी देखना चाहिए। सरकार यहाँ झारखंड में है, हेमंत सोरेन की सरकार है, और आप जो यहाँ का पानी का समस्या है, इस समस्या का निदान कौन करेगा? ये संविधान तो हेमंत सोरेन जी को हम लोग एक बार बोल के देखे हैं, एक बार भी तो मेरा मोल आया नहीं, आया तो बहुत दिन पहले 1998 में आया था, अब वो आया नहीं एक बार भी। शिव सोरेन जी जब भी आया था हम लोग हरी मंदिर में 40-20 नंबर वार्ड के पास, हम लोग वहीं पर रहते हैं। जेएमएम का कोई भी नेता आपके आप लोग के पास समस्या का समाधान करने नहीं आता? नहीं कोई नहीं आया। बीजेपी का आते हैं? हाँ बीजेपी का आया हुआ है, बिंची नारायण जी आया था एक बार ढोलू महतो आया था। क्या क्या वो अपना बोरिंग किया बिंची नारायण जी, डीप बोरिंग मारा हुआ है,
वो चापाकल बनाया और वो अभी तो हेमंत सरन सर से कुछ मिला नहीं हम लोग को। यहाँ बरसात में नाला भी जाम हो जाता है, वो समस्या नाला तो अभी कवरिंग वाला नाला बन चुका है छास में, अभी सब जगह कवरिंग वाला नाला बन रहा है छोटा छोटा, उसमें कवरिंग उसमें तो कचरा। जी अभी हम एक भाई साहब से और बात कराना चाह रहे हैं पब्लिक के बात में, आप बताइए कि सरकार की क्या क्या उपलब्धि है उसका 5 साल में हुई है। सरकार तो अपने भर सभी लोग जोड़ देते हैं और उसके करने का तरीका और उसके सलाहकार कैसे हो वो तो उसे उपलब्धि पर समझ में आएगा। आपको विशेष तौर ध्यान देना होगा कि अभी तक बहुत ज़्यादा झारखंड के लोग जितने आशा लगाए हैं उतना नहीं हो पाया। आज बहुत सारे नौकरियां नहीं हो रही है, बहुत सारे स्कूल नहीं खुल पा रहे जो कि ज़रूरत था, और प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा बहुत बढ़ता जा रहा है और सरकारी स्कूल की बढ़ावा हुई है और उसमें कुछ और ज़रूरत है और सब लोग ध्यान देंगे तो उससे ज़्यादा हो सकेगा। बेरोजगारी बहुत है यहाँ, क्या कहते हैं बेरोजगारी है तो सर जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करती है तब तक उपाय नहीं है। आज क्या है, यहाँ प्लांट की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, बहुत सारे रोजगार हुए मगर और की जरूरत है, जनसंख्या के हिसाब से कम हुई है। मैया सम्मान योजना पर क्या कहें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि 2100, 2500 और 1000 से अच्छा है कि चुन कर सभी को रोजगार देना, ये बिना खटे आने का लोग पैसा का वैल्यू नहीं देंगे, उसके कारण क्या होगा बहुत सारे लोग उस बेरोजगार और बढ़ जाएंगे। रोजगार देना है ये पैसा की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकार को पैसा मत दीजिए, राशन मत दीजिए, उसको रोजगार दीजिए ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाए, 2100 नहीं उसको 5000 का रोजगार दीजिए, 8000 का रोजगार दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे देश का विकास होगा। एक पैसा से एक पर्सनल आदमी का विकास होता है मगर रोजगार से पूरे 5 परिवार में पूरे 5ों परिवार सुखमंद होता है, ये जरूरी है। आप चास में रहते हैं? जी सर मैं चास में रहता हूँ। चास में क्या क्या समस्या अभी तक निदान हो गया? चास में तो वार्ड के अंदर आता है, 5 सालों से चुनाव नहीं हुआ इसलिए कुछ विशेष नहीं हो पा रहा है। सरकार उस पर क्या कर रही है? सरकार का उनके क्या सिस्टम हम लोग को तो नहीं पता है, वार्ड का चुनाव होता तो गली गली मोहल्ला का जब मुखिया होता तो उसको ज़्यादा पता होता, चुनाव होता तो सभी को जानकारी होती उसको क्या करना है, और MLA MP तो गली कुची में आएंगे नहीं, इससे भी परेशानी होता है। ये चुनाव नहीं होने का क्या कारण है, कौन सरकार जिम्मेवार है? चुनाव क्या, सब तो ऐसे ही सरकार है, कुछ विशेष तो हो नहीं रहा है, चाहे किन्हीं का सरकार बनाओ सिस्टम यही चलेगा। उसमें कोई सरकार आज तक तो हम आज़ादी से लेकर आज तक तो ऐसा नहीं देखे कि कोई सरकार आया और धमाका किया। यानी आप मानते हैं कि नीचे लेवल के अभी चुनाव नहीं होने से विकास पर असर पड़ता है? सब चुनाव होना चाहिए और सरकार को सब मिलकर पार्टी लेवल को हटाकर काम करना पड़ेगा। आज किस पार्टी से उस सबसे मतलब नहीं है, आपको सब मिलकर विकास की ओर काम करना पड़ेगा, देश की ओर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि पर्सनल हमारा, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हम BJP है, ये सब पार्टी से भूलकर काम करना पड़ेगा तभी विकास हो संभव है। लोग अपने अपने पॉलिटिक्स में ये काम संभव नहीं है। आज वो उसके MPLE है तो उसका काम नहीं सुनता, उसके MP है तो उसका काम नहीं सुनता है, ये नहीं, सबको मिलकर आप अपने पद पे हैं, आपका अपना फंड आता है, अपने अपने फंड का सब यूज करेंगे सारा काम हो जाएगा। आप कैसी सरकार चाह रहे हैं इस बार झारखंड में? जो भी सरकार बने मन से काम करे, वो कोई दोनों सरकार एक ही जैसे हैं, दोनों का इसका कुछ प्लस है कुछ ही आइटम में, कुछ में इसमें प्लस है, कोई कमजोर सरकार नहीं है, कोई खराब सरकार नहीं है, दोनों अच्छे सरकार है, उनके चलने का तरीके दोनों का अपने अपने हैं, उस चलने के व्यवस्था में हम बहुत टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, सबको अलग अलग चलने का चॉइस है, अलग अलग खरीदने का चॉइस है, उस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो आपने सुना इस तरह की समस्याएं हैं पब्लिक की बात में उनके है, हमारा स्टील वर्कर नौकरी नहीं मिला, सब नेता लोग खा गया है तो क्या करेगा, हम लोग मजदूरी वाला कमा रहे हैं खा लिया, सब लोग नेता बड़ा हो गया तो नेता लोग ले लिया तो हम लोग नौकरी नहीं मिला। कितनी समस्याएं हैं हमारा उम्र, कम से कम हमको उम्र हो गया 60 ऊपर हो गया, 60-45 इधर, कितनी समस्या है आप लोग के गांव में? हाँ मेरा गांव है सेक्टर 9 थाना 9, पहले हर्रा था,
हरिया से नाइन बना, नाइन वाला हम लोग है। क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रोग्राम मतलब हम पढ़े लिखे नहीं उतना है, ये मजदूरी कमा रहे हैं। मैया सम्मान योजना का 1000 रुपया मिलता है आपको? नहीं, मैया का मिल रहा था तो उसको मिला था, हमको तो नहीं मिल रहा है। मैया हुआ जब उसको है लीन तो रहा नहीं, फिर छीन लिया, फिर छीन लिया। अब कहे कोटा बंद कीजिए, कोटा बंद कीजिए, किस लिए कोटा का? कोई कमाई भी नहीं करता तो कैसे चावल खेती बनेगा है? बारिश झाड़ी जितना है तो कोई करवे नहीं करता, अपना मौज मारता है नेता लोग, पैसा ले लेते आप पॉकेट में भरता है चला जाता है। आपका एक बंधु से और बात कराना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सहदेव है। क्या क्या यहाँ विधानसभा चुनाव है, अब क्या क्या समस्या है, क्या क्या विकास हुआ है यहाँ का? तो अभी कुछ वो जो अभी जो 1000 रुपया मिलता है औरत लोग को, वो वाला किसी किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ है, बहुत आदमी का धोखा खा गया। वो दोबारा बोल रहा है बनाने के आप जमा कीजिए, लेकिन अपना शुगर धन करेगा तब ना मिलेगा, तू करेगा तो भी होगा। आप मानते हैं कि वोट वोट लेने के लिए 1000 रुपया दिया जा रहा है? हाँ, ये तो अभी कोई ठिकाना नहीं है, मतलब वही हलचल छोड़ रहा है, वो ऐसा लालची दे रहा है ना, वही समझा, वही हमको लग रहा है वही होने वाला ही है। बीजेपी भी बोला गोको दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे, इसको क्या कहेंगे? वो तो पियर होगा जी, वो पियर होगा, वो योजना वो अपना वो जो चावल दे रहा है वो भी वो अपना दे रहा है, किसी को पेट नहीं मार रहा, वो अपना ठीक कर रहा। कोई गलत किस तरह का सरकार चाहते हैं झारखंड? हम लोग सरकार है, हम लोग मोदी है, अच्छा है। तो हम आपको बताते चले कि यहाँ बहुत आपने देखा पब्लिक की बात में कि पब्लिक से क्या क्या डिमांड है, क्या क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारा ने पब्लिक को पब्लिक जो सारा नेता का पोल खोल के रख दिया है। आप लोग गए थे कल? मैं अमरनाथ पोदार, TV 45 बोकारो।